नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द स्टडी पावर। इस वीडियो हम देखेंगे SSCHSL 2018 का, जो अपनी टाइप डिस्क्रिप्टिव हो चुका था, उसके टाइप बाद में टाइपिंग होने वाला था, तो उसके बीच में एक छोटा सा इशू आ गया था UFM का। तो UFM के चक्कर में, काफ़ी अनफेयर मींस के चक्कर में, 4500 बच्चों को डिस्क्वालीफाई कर दिया था SSC ने टाइपिंग के एग्ज़ाम के उससे पहले। तो उसी के रिगार्डिंग जो कमेटी बनी थी, उसके रिगार्डिंग ही अभी SSC का एक नया नोटिफिकेशन आया है। उस कमेटी से क्या रिपोर्ट आई है, क्या SSC ने उसके लिए एक्सेप्ट किया है, तो कंप्लीट डिटेल्स मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और कब आपकी टाइपिंग एक्सपेक्टेड है, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक, एंड तक देखते रहिए और हमारे साथ बने रहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करें उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और अप टू डेट रहिए आने वाली सभी इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग। तो अभी आप देखेंगे तो आपकी टाइपिंग कभी भी हो सकती है। मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि आपका अक्टूबर महीने में ही आपकी टाइपिंग होगी। और अगर आप जो टाइपिंग के अभी पिछले सालों में 2000 मतलब आप देखें तो 17-16 पिछले जो ईयर्स में टाइपिंग के पैसेज पूछे गए हैं, वो सारे पैसेज इस बुक के अंदर आपको इंक्लूड किए गए हैं। और आपको प्रैक्टिस के लिए भी 30+ पैसेज इसमें दे रखे हैं, जिसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपनी टाइपिंग देख सकते हैं कि आप SSC की जब ओरिजिनल वहाँ पर होगा तो उसमें आप किस कहाँ पर स्टैंड करते हैं, और इसकी टाइपिंग कैसे, क्या रूल्स होंगे, किस तरह से क्या रूल्स होते हैं, क्या हाफ मिस्टेक होती है, क्या फुल मिस्टेक होती है, कंप्लीट डिटेल्स इस बुक के अंदर दी गई है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं, जो SSC का नया नोटिफिकेशन आया है, तो आप देख सकते हैं 5 अगस्त का नोटिफिकेशन है। तो इसमें ये अनफेयर मींस के रिगार्डिंग जो कमेटी बनी थी, उसकी रिपोर्ट आई है। तो इसको जैसे आप क्लिक करेंगे तो पूरा नोटिफिकेशन आपको डाउनलोड हो जाएगा। और इसमें नोटिफिकेशन में आप देखेंगे तो इसमें बोल रखा है कि 4560 कैंडिडेट्स थे उस अनफेयर मींस के ग्राउंड पर, डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था, अनसक्सेसफुल कर दिया था। तो उसी के रिगार्डिंग उन्होंने फिर कैंडिडेट्स ने एक अभियान चलाया था, ट्विटर पे भी चलाया था, काफ़ी मतलब पॉलिटिशियन को मिले थे, कुछ रिक्वेस्ट की थी कि इसको रिगार्डिंग उनको सॉल्व किया जाए, कुछ कमेटी बनाई जाए। तो उसके रिगार्डिंग SSC ने कमेटी बनाई थी, उस कमेटी की रिपोर्ट आ चुकी है। और उस कमेटी की रिपोर्ट में ये कहा गया है कि अनफेयर मींस के जो भी था, उनको वन टाइम मेजर मान के इनको प्रोबिएट किया जाए, मतलब एक बार उनको मौका दिया जाए, इस बार इस रूल को नहीं माना जाए और अगली बार से इस रूल को माना जाए। तो उस रिपोर्ट को SSC ने अकॉर्डिंग टू द कमिटी रिपोर्ट, उन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया है, और एक टाइम के लिए उनको डिस्क्वालीफाई किया गया था, उसको मना कर दिया है, और इस बार उनको अलाउ किया जा रहा है 4560 कैंडिडेट्स का। और अभी UFM को मैं और आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँ तो अनफेयर मींस का मतलब है कि SSC बोलता है कि डिस्क्रिप्टिव में आप अपना नाम नहीं लिख सकते, आप अपना ओरिजिनल एड्रेस नहीं लिख सकते, अपना ओरिजिनल नाम नहीं लिख सकते, जो पेपर में दिया जाता है वही आपको नाम लिखना है, वही आपको एड्रेस लिखना है। और अगर कोई कैंडिडेट अपना ओरिजिनल नाम या फिर एड्रेस लिखते हैं तो उसको अनफेयर मीन माना जाता है। तो उसी के रिगार्डिंग का 4560 कैंडिडेट्स को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था, बट इस नोटिफिकेशन के बाद में इन कैंडिडेट्स को भी टाइपिंग में मौका मिलेगा। और जल्दी ही आप देखेंगे तो मोस्ट एक्सपेक्टेड है, ये एक्सपेक्टेड है कि अक्टूबर महीने में आपकी टाइपिंग स्किल टेस्ट हो सकता है। तो उसके लिए आप तैयारी अभी से चालू कर सकते हैं, ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। बट आप देखेंगे तो ये CHSL वालों के लिए है, CGL वालों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए भी अभी आप टाइपिंग में वो मतलब डिस्क्रिप्टिव में यही एक इशू चल रहा है। तो हो सकता है उनको जैसे इस कमेटी में एक बार वन टाइम रिलैक्सेशन मिला है, उसी तरह से CGL वाले कैंडिडेट्स को भी इस तरह से रिलैक्सेशन मिल जाए। बट इसमें अभी सिर्फ CHSL की बात की गई है, और मतलब बट ये जो उन्होंने मतलब अपनी रिपोर्ट दी है उसमें कहा है कि वन टाइम रिलैक्सेशन मिलना चाहिए, तो उसके बेसिस पे CGL वाले कैंडिडेट्स को भी उसमें रिलैक्सेशन मिल सकता है। तो ये काफ़ी बड़ी गुड न्यूज़ है, बहुत अच्छी बात है कि इतने 4560 कैंडिडेट्स का जो कैरियर अभी बर्बाद होने वाला था, इस एग्ज़ाम में मौका नहीं मिलने वाला था, उनको भी अभी मौका मिलेगा, वो भी अपना मतलब टाइपिंग देके नौकरी लग सकते हैं। तो अभी आप टाइपिंग की प्रैक्टिस चालू कर दीजिए जिन्होंने टाइपिंग की प्रैक्टिस चालू नहीं की, क्योंकि अभी आने वाले टाइम में बहुत ही कम टाइम मिलने वाला है आपको। और आप देखेंगे तो SSC में जो भी टाइपिंग होगी तो आपको इस तरह के टाइपिंग पैसेज पूछे जाते हैं, और इस तरह के सारे टाइपिंग पैसेज जो भी पिछले सालों में पूछे गए और अब आने वाले में एक्सपेक्टेड हैं, वो सारे मैंने इसमें इंक्लूड कर रखे हैं। इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सारे रूल्स जो भी आपके टाइपिंग के होते हैं, क्या आप मिस्टेक, वो सारे इसमें कवर किया गया है। सो आप इसको लिंक में डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके कोई डाउट्स हैं, कुछ भी क्वेश्चंस हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और SSC रिगार्डिंग 2018 या फिर कोई भी SSC की रिगार्डिंग कोई न्यूज़ होती है तो सबसे पहले फेसबुक और टेलीग्राम पर अपडेट करते हैं। तो आप फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये थी इस वीडियो में सारी कंप्लीट बात। अगर आपको कोई और भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पे आपको रिस्पॉन्ड करूँगा। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और अप टू डेट रहिए आने वाली सभी इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।